Good morning, dear children. In the previous video, we have done the addition of two-digit numbers without carrying over. Today, we are going to do addition of two-digit number by carrying over. So, children, take out page number 42, question number 2, add the following. Find the sum of the following. Part A. So, children, 9 plus 8. So, we are going to take 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we are going to take 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or you can do one thing. 9 is there. So, we will start counting after 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so total is 17. So we will write 7 over here and 1 we will do carry on. Children, जब भी addition carry over के आए तो हमें क्या करना है, ये हम fingers पे count नहीं हो पा रहे हैं, ये 9 है और ये 8 है. तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उसके बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे. तो 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. देखिए हमने 8 काउंट कर लिया, 9 के बाद 8 काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 यहां पर आता है. तो हम क्या करेंगे, 9 के बाद से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे. 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो हमारे पास 17 आया. अब 17 जो आया है तो 7 ones place पे आता है. Ones place का number, ones place की digit हम यही रखेंगे और जो tens place पर है उसको carry forward कर देंगे. Carry करने का मतलब ये है कि हम vertical addition में इन दोनों number के साथ उसको भी calculate करेंगे. तो हमने carry क्या किया, 1 किया carry tens place का. अब हम total करेंगे, 1 plus 2 is 3 and 3 is 6. So we will write 6 over here and our answer is 67. Now part B. The number is 5. We will start counting after 5. We have to count the next number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So after 5 we will count 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 7 plus 5 is 12. So we will write 2 over here and we will carry over 1 of tens place. Now 1 plus 6 is 7 and 8, 9, 10, 11. So it is 112. Now part B. 9 plus 1 is 10. So 0 and carry over 1. So 1 plus 1 is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the number is 7. And the answer is 70. Okay, समझ में आया? एक बार फिर से explain करें. जो हमने 9 है, या तो ऐसे count करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 के बाद क्या दिया है, 1, तो 1 और count कर लीजिए. Total कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 हो गए, तो भी answer correct आएगा. या ऐसे count कर सकते हैं कि ये number 9 है, 9 के बाद से count करना है हमें इस number तक. Means ये नीचे क्या लिखा है, 1, तो हम 1 काउंट कर लिया. अब 9 के बाद क्या आता है, 10, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10. एक बार फिर से देखिए, 5 और 7 है, तो हम 7 काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 यहां आ गया. अब देखिए 5 ऊपर लिखा है, 5, तो हम 5 के बाद से काउंट करेंगे. 5 के बाद क्या आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हमारा आंसर 12 आ गया. ऐसे काउंट करेंगे तो भी 12 आएगा, ऐसे काउंट करेंगे तो भी 12 आएगा. समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी. 9 plus 6. So नीचे 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 6. ऊपर लिखा है 9, तो 9 के बाद से काउंट करना स्टार्ट कीजिए. 10 11 12
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो हमारा आंसर आया 15। वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 1, तो 1 कैरी ओवर किया। अब हमें 1 प्लस 2 इज 3 एंड 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 के बाद से काउंट करिए 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारा आंसर आ गया 115। ओके चिल्ड्रन, नाउ पार्ट ई। Our part E is 9 plus 8. So we will count 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Upar kya number likha hai? 9. 9 ke baad se count karna start kariye. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So we will write 7 over here and we will carry over 1. So 1 plus 4 is 5. Niche number likhe hai 6, 7, 8. तो हमारा हो गया 87। 87 हमारा आंसर है। अब आते हैं पार्ट एफ, 5 प्लस 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद से काउंट करिए 6 7 8 9 एंड 10, सो 0 यहाँ और कैरी ओवर 1। अब देखिए 1 प्लस 5 इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो हमारा आंसर हो गया 110। ओके, नेक्स्ट पार्ट जी, 9 प्लस 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर लिखा है 9, तो 9 के बाद से काउंट करिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हम यहाँ 8 लिखेंगे और कैरी ओवर 1 करेंगे। 6 प्लस 1 इज 7 और नीचे है 4, तो 1, 2, 3, 4, 7 के बाद से काउंट करिए 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब देखिए 118 आंसर है हमारा। ओके चिल्ड्रन, अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट एच, 8 प्लस 4, सो 1, 2, 3, 4, नीचे 4 लिखा है, अब ऊपर लिखा है 8, तो 8 के बाद से काउंट करिए 9, 10, 11, 12, तो हम 12 का लिखेंगे 2 और कैरी ओवर करेंगे 1। अब 7 प्लस 1 इज 8 और नीचे लिखा है 3, 9, 10, 11, तो आंसर हो गया हमारा 112। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आए लिखा हुआ है 6 और नीचे है 4, तो 4 काउंट करें 1, 2, 3, 4 फिंगर्स पर, ऊपर 6 है, 6 के बाद क्या आता है 7, 8, 9 एंड 10, तो 10 का 0 यहीं और 10th प्लेस का 1 कैरी ओवर। अब 7 प्लस 1 इज 8, नीचे 6 लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 8 के बाद से काउंट करना चालू करिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये हो गया 1, 4, 14, तो हमारा आंसर हो गया 140। ओके चिल्ड्रन, नाउ द पार्ट जे, 3, 9 प्लस 4, 9 एंड 4, सो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, एंड ऊपर लिखा है 9, तो 9 के बाद से काउंट करिए 10, 11, 12, 13, तो 13 का 3, 1's प्लेस का 3 यहीं और 10's प्लेस का 1 कैरी ओवर। 1 प्लस 3 इज 4, 4 के बाद से काउंट करिए 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। ओके चिल्ड्रन, सो आर आंसर इज 93। नाउ नेक्स्ट के, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ 8, तो 8 काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर लिखा है 2, तो 2 के बाद से काउंट करना चालू करिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, सो 0 कैरी ओवर 1।
सेवन प्लस वन इज एट, एट प्लस फोर एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, सो ट्वेल्व, सो 120 इज आर आंसर. नाउ चिल्ड्रन पार्ट एल, सिक्स प्लस एट, तो एट काउंट करिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सिक्स के बाद से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो फोर्टीन, फोर कैरी ओवर वन, नाइन प्लस वन इज टेन एंड टेन प्लस फाइव इज इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन, सो वी विल राइट फिफ्टीन ओवर हियर, सो आर आंसर इज 154. Now children, we have done this in our book, right? Fill all the parts up to L in your book with the help of pencil, and after that, take out your class for copy, write question number 2, find the sum of the following, write the page number 42 and copy down part A. So we have copied here the part A, 9 plus 8, so 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So we will write 7 over here. Now carry over 1. So 2 plus 1 is 3, 4, 5 and 6. So the answer is 67. Now part B. This is our part B. 5 and 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ke baad se count karna start kijiye. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we will write 2 over 2 here and 1 carry over. 6 plus 1 is 7 and 4. 8, 9, 10, 11. So the answer is 112. Children, I have shown you how to copy in your classwork. आपको बता दिया गया है कि classwork copy में कैसे copy करते हैं. इस तरह से copy करिए part A इधर और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 box छोड़ के part B copy करना है. और one line leave कर जैसे A और B copy कर रहे हैं वैसे ही अपनी classwork copy में part C, part D, पार्ट ई और पार्ट एफ क्लासवर्क कॉपी में करना है. बाकी पार्ट एच होमवर्क कॉपी में, पार्ट जी होमवर्क कॉपी में, पार्ट आई होमवर्क कॉपी में, पार्ट जे होमवर्क कॉपी में, पार्ट के होमवर्क कॉपी में, पार्ट एल होमवर्क कॉपी में, बाकी सब आपको होमवर्क कॉपी में कॉपी करना है. आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन अप टू पार्ट एफ कॉपी कर लीजिए और बाकी पार्ट्स आप होमवर्क कॉपी में कॉपी करिए. हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे.